दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। जिला अदालत काठमांडू के आदेश विरुद्ध उच्च अदालत पुगल। पूर्व सभामुख महरा के निवेदन विरुद्ध आज सुनवाई हो रहा। पीड़ित द्वारा अपना ऊपर कर्मी न भइल दावी। चितवन के भरतपुर स्थित तरकारी बाजार में प्रयोगशाला संचालन। विषादी रहित तरकारी उत्पादन खातिर प्रांगारिक उत्पादन में जोड़। सरकार से कृषि क्षेत्र के उचित व्यवस्थापन करे ना सकला से उत्पादन में गिरावट। कृषि जन्य उत्पादन आ जनसंख्या वृद्धि दर बीच के असंतुलन के कारण देश आयातमुखी बन रहा। आगलागी के कारण ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में आपातकालीन अवस्था। आए वाला एक हफ्ता तक संकटकाल घोषणा। मैनचेस्टर यूनाइटेड आ लेस्टर सिटी लीग कप के सेमीफाइनल में प्रवेश। कोलचेस्टर यूनाइटेड 3-0 आ एवर्टन 4-2 से हारल। अब पूरा समाचार। पूर्वपक्ष खातिर थुना में भेजावे के जिला अदालत काठमांडू के आदेश विरुद्ध उच्च अदालत पाटन पुगल। पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर मोहरा के निवेदन में आज सुनवाई हो रहा बा। उच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी आ न्यायाधीश टेक नारायण कुंवर के संयुक्त इजलास में उनकर निवेदन ऊपर सुनवाई होखे लागल। जिला अदालत काठमांडू के न्यायाधीश सुदर्शन राज पांडे के इजलास 18 कार्तिक में महरा के पूर्वपक्ष खातिर थुना में भेजावे के आदेश देले रहे। अगहन 5 गते महरा उच्च अदालत में निवेदन दर्ता करौले रहनी। अदालत द्वारा पीड़ित कहल महिला कर्मचारी संगे भी बयान लेहल गई बा, जैमे वहाँ के अपना ऊपर कर्णी ना भइल दावी समेत कैले बाड़ी। आश्विन 19 में बालुवाटार स्थित सभामुख के सरकारी निवास से ही पकड़ाइल महरा हाल दिल्ली बाजार कारागार में रहल बानी। प्रतिनिधि सभा के हिउदे अधिवेशन के पहिल का बैठक उपसभामुख डॉक्टर शिवमाया तुम्बा हम्फे के ही अध्यक्षता में शुरू होके के भइल बा। सांसद बैठक के शुरुआत करे के ही राजनामा देवे के वहाँ के अड़ान में नेकपा नेतृत्व सहमत भइल बाद सुख के बैठे वाला बैठक उपसभामुख के ही अध्यक्षता में शुरू होके के भइल। प्रतिनिधि सभा नियमावली में बैठक के शुरू आ अंत सभामुख से करे के कहल गइल बाटे। सत्तारूढ़ नेकपा सभामुख निर्वाचन खातिर उपसभामुख तुम्बा हम्फे के राजनामा करे के कहले बा। वहाँ के सभामुख पद से दावी कर रहल बानी। पहिलका बैठक के शुरू करके ही राजनामा देवे के उनकर चाहना मुताबिक संसदीय दल के उपनेता सुभाष नेमांग सहजीकरण कर रहल नेकपा स्रोत जनौले बा। चितवन के भरतपुर स्थित तरकारी बाजार में विषादी अवशेष दूत विश्लेषण प्रयोगशाला संचालन में आयल बा। चितवन बाजार में बिक्री तथा निर्यात करे वाला तरकारी के विषादी परीक्षण करके उद्देश्य से कृषि ज्ञान केंद्र चितवन प्रयोगशाला संचालन में लियाल गई। प्रयोगशाला के उद्घाटन करत प्रदेश नंबर 3 के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री दावा दोरजेलामा व्यवसायिक कृषक सब प्रांगारिक उत्पादन तरफ अगाड़ी बढ़े पड़े के बतौनी। विषादी प्रयोग करके उत्पादित खाद्यान्न के कारण मानव स्वास्थ्य में नकारात्मक असर पड़े के कहत लामा विषादी रहित तरकारी उत्पादन खातिर प्रारंभिक उत्पादन में जोर देनी। प्रयोगशाला उद्घाटन के क्रम में प्रदेश नंबर 3 भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय के सचिव डॉक्टर योगेंद्र कुमार कार्की प्रदेश नंबर 3 के 5 जिला में विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना कैल बतौनी। सरकार से कृषि क्षेत्र के उचित व्यवस्थापन करे ना सकला से देश के वार्षिक उत्पादन दर गिर रहल बा। 2069 साल के तथ्यांक मुताबिक कृषि जन्य उत्पादन आ जनसंख्या वृद्धि दर बीच के असंतुलन के कारण देश आयातमुखी बनल बा। नेपाल सरकार के तथ्यांक मुताबिक खेतीयोग्य जमीन 21,62,751 हेक्टर बाटे। नेपाल के मेन खाद्यान्न बाली भीतर धान खेती भी पड़ेला। आर्थिक वर्ष 2072-73 में कुल खेतीयोग्य जमीन के 1,470 हेक्टर क्षेत्र में 5,152 मेट्रिक टन मात्रे धान उत्पादन भइल रहे। बाकी धान भारत चीन लगायत के देश से आयात भइल देखल जाला। नेपाल सरकार व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र के मुताबिक आर्थिक वर्ष 2075-76 में कृषि जन्य निर्यात 36 अरब 60 करोड़ भइल बा तो 23 अरब 84 करोड़ बराबर के कृषि जन्य वस्तु आयात भइल बा। गत आर्थिक वर्ष 2075-76 में नेपालबाट 13 करोड़ रुपया बराबर का तरकारी निर्यात भएको छ र सोही वर्ष 15 अरब 13 करोड़ रुपया बराबर का तरकारी आयात भएको देखिन्छ। यसै गरी प्रधान खाद्यान्न बालीहरू ती वस्तुहरूको निर्यात चाहिँ 3 करोड रुपियाँ बराबरको भएको छ र आयात चाहिँ तपाईँको
51 अर्ब 80 करोड़ रुपया बराबर को आयात भएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 में 15 अरब 13 करोड़ बराबर के तरकारी जन्य वस्तु आयात भइल रहे, उन्हें 13 करोड़ बराबर के निर्यात भइल देखल गेल बा। सहायक तरकारी बाली के रूप में रहल प्याज नेपाल के तराई से हिमाली क्षेत्र में खेती कर सकल जाला, लेकिन आर्थिक वर्ष 2075-76 में 5 अरब 62 करोड़ के प्याज भारत चीन लगायत के देश से आयात भइल रहे। चालू आर्थिक वर्ष के कार्तिक अंतिम तक 1 अरब 59 करोड़ के प्याज आयात भइल केन्द्र जनौले बा। आयात होके वाला मेन देश भारत से निर्यात में कड़ाई कैला संगे नेपाली बाजार में प्याज के भाव बहुते महंग हो गेल बा। उत्पादन आयात आ निर्यात में सरकारी नियमनकारी निकाय के उचित ध्यान देवे के जरूरी रहल कर्मचारी सबके कहनाम बाटे। अब यदि वास्तविक हो कि होइन भन्ने कुराहरू त अनुगमनकारी निकायहरूबाट पनि अनुगमन हुनु आवश्यक छ। अब उताबाट चाइनाबाट आयात गर्दाखेरि व्यवसायहरूले कतिमा आयात गरेको छ, त्यसको लागतहरू के कस्तो किसिमको छ, त्यस्तै किसिमले त्यसमा लसहरू के कस्तो किसिमको हुन्छ, यी कुराहरू चाहिँ विश्लेषण गरेर उनीहरूले अब वास्तविक रूपमा अहिले लिइरहेको मूल्य ठिक हो कि होइन, उचित हो कि होइन, यो कुरा निर्गल गर्नु आवश्यक छ। जनसंख्या के वृद्धि दर आ आयात निर्यात बीच के असमानता न्यूनीकरण करे ना सकला पर सरकार के सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल के अभियान सिर्फ नारा में ही सीमित रहे के निश्चित बात है। कैमरा में विष्णु थापा, जेपी ट्रस्ट के साथ आनंद गुरुंग की रिपोर्ट। उदयपुर के उदयपुर गढ़ी गांव पालिका वार्ड नंबर 3 जरुआ में जीप दुर्घटना भइला बाद 4 जने के मृत्यु भइल बा। मृत्यु होखे वाला में उदयपुर गढ़ी गांव पालिका वार्ड नंबर 3 घर भइल हाल मोरंग रहे वाला 61 वर्ष के टिकनारायण श्रेष्ठ, उदयपुर गढ़ी 3 के 47 वर्ष के ढक बहादुर मगर, 47 वर्ष के ही मीन नारायण श्रेष्ठ, पथरी सनिश्रे के 35 वर्ष के टीकाराम श्रेष्ठ रहलवा लोग। जान गइल में से टीकाराम के कटारी अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भइल हुए त बाकी के घटनास्थल में ही मृत्यु भइल रहे। घटना में भारत के सिक्किम में रहे वाला 45 वर्ष के भूपाल राय लगायत 4 जने गंभीर घायल भइल, जिला प्रहरी कार्यालय उदयपुर जनौले बा। प्रहरी के मुताबिक जरुआ स्थित भित्री सड़क में तामल डाँडा से कटारी तरफ जा रहल एसके सोना 1 PB 3068 नंबर की गाड़ी आज अनियंत्रित होके सड़क से करीब 200 मीटर नीचा गिरल रहे। महोत्तरी के भंगहा नगरपालिका वार्ड नंबर 3 मुसहरी टोल के मालती देवी सरा 4 गो बेटी सहित ठंडी में भुइया में ही दिन रात बिता रहल बाड़ी। जनता आवास कार्यक्रम अंतर्गत बनल अपूरा घर में 7 जने के परिवार रहला। महोत्तरी के भंगहा नगरपालिका वार्ड नंबर 3 मुसरी टोला के मालती देवी सदा के 7 जने के परिवार ठंडा भुइया में रात बिता रहल बाटे। लोग पति सास आ 4 लैका सहित 7 जने के परिवार बीतल बरस अनुदान में मिलल कंबल ओढ़ के ठंडी के भगावे के कोशिश कर रहल बा। घर दे आने से छिया बिहान धो दे अपने पटल जाए है तब उसने अधूरा घर में ही पाल टांग के रहेला मजबूर भइला पर भी स्थानीय सरकार मालती के परिवार के कुछो राहत नहीं खेदेले। ठंडा मौसम में खुला घर में रहे पड़ला बाद ठंडी आ शीत लहर से लैका लैकी के स्वास्थ्य स्थिति में नकारात्मक असर भी पड़ रहल बा। जनता आवास के ही कार्यक्रम चल रहल एक डारा गाँव पालिका आसमशी गाँव पालिका में भी मालती के परिवार जैसने समस्या बाटे। वही वो अतिश मर गए कि शीत लगल ठंडी लगल रौदा में रहिए बैठल रह छाही रह तब ना चल सके कि नहीं रोक भ गए कची न खिड़की के छर के पैसा है आ न बोल पलस्तर के पैसा है आ न कथी कह से बाथरूम के पैसा होती न घर तो बाद देखी खाली घर बनते तो घर से तो खाली फायदा देखी घर बन। साबिक के शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिवीजन कार्यालय जनकपुर द्वारा जनता आवास योजना देखते आत रहे। अभी प्रदेश अंतर्गत के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय से योजना देख रहल बा। जनता आवास कार्यक्रम के इंजीनियर नरेंद्र कुमार झा के मुताबिक जनता आवास कार्यक्रम अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2075-76 में बन रहल घर सब में कोनो समस्या ना रहल अनिर्बाध रूप में निर्माण कार्य हो रहल बाटे। महोत्तरी से विद्यानंद राम के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार।
विभिन्न चार संस्था से अपन शेयरधनी खातिर लाभांश प्रस्ताव कैले बा। साधारण सभा अनुमोदन कैले बाद प्रस्तावित लाभांश शेयरधनी के मिले। गुडविल फाइनेंस लिमिटेड वित्तीय संस्था द्वारा बीतल बरस के मुनाफा से शेयरधनी सबके 10% नगद लाभांश देवे के निर्णय कल गेल बा। संस्था के 345वां बैठक से कर प्रयोजन खातिर भी चुकता पूंजी 80 करोड़ के 10% 8 करोड़ नगद लाभांश देवे के निर्णय कल गेल हा। प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंक के स्वीकृति पश्चात संस्था के आबे वाला 25वां साधारण सभा से अनुमोदन कैला बाद लगानीकर्ता के वितरण कैल जाय। उही लेखा यूनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर पहिल का सूचना सही करत शेयरधनी सबके 8.421% नगद लाभांश देवे के निर्णय कैले बा। संस्था द्वारा कर प्रयोजन खातिर समेत करके वो लाभांश देवे लागल ह। संस्था के अगिला छठा साधारण सभा से पारित कैला बाद प्रस्तावित लाभांश शेयरधनी के वितरण कैल जाय। उही लेखा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था द्वारा शेयरधनी के 27.25% बोनस शेयर देवे के प्रस्ताव कल गेल बा। संस्था द्वारा कर प्रयोजन खातिर भी 1.43% नगद लाभांश देवे के प्रस्ताव कल गेल बा। प्रस्तावित लाभांश नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक से स्वीकृति हो चुकल आ अगिला साधारण सभा से अनुमोदन कैला बाद लगानीकर्ता के वितरण कल जाय। उन्हें गंडकी विकास बैंक से बीतल बरस के मुनाफा से शेयरधनी के 17.32% नगद लाभांश देवे के प्रस्ताव कल गेल बा। नेपाल राष्ट्र बैंक के स्वीकृति पश्चात बैंक के अगिला 12वां साधारण सभा से पारित कैला बाद प्रस्तावित नगद लाभांश शेयरधनी के वितरण करे के बैंक जनौले बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। जिला अदालत काठमांडू के आदेश विरुद्ध उच्च अदालत पुगल। पूर्व सभामुख महरा के निवेदन विरुद्ध आज सुनवाई हो रहा। पीड़ित द्वारा अपना पर करनी ना भइल दावी। चितवन के भानु भक्त भरतपुर स्थित तरकारी बाजार में प्रयोगशाला संचालन। विषादी रहित तरकारी उत्पादन खातिर प्रांगारिक उत्पादन में जोड़। सरकार से कृषि क्षेत्र के उचित व्यवस्थापन करे ना सकला से उत्पादन में गिरावट। कृषिजन्य उत्पादन आ जनसंख्या वृद्धि दर बीच के असंतुलन के कारण देश आयातमुखी बन रहा। आगलागी के कारण ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में आपातकालीन अवस्था। आयोवेला एक हफ्ता तक संकटकाल घोषणा। मैनचेस्टर यूनाइटेड आ लेस्टर सिटी लीग कप के सेमीफाइनल में प्रवेश। कोलचेस्टर यूनाइटेड 3-0 आ एवर्टन 4-2 से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब ट्विटर फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट jantasamachar.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।